हूँ बात तो सुने ना तो इसमें सरपंच नहीं कहन जो की मैं सीधी बोलिया करूँ ना इसमें आदमी रू सके आदमी हो तो यार रो है कोई नहीं ठीक से वीरबानी हो सारी कट्ठी लाइव काट दिया लो बिना लगने दिया से कोई नहीं नकली सौदा से ओनू सोचा हजारे मन दे दे हजारे खन दे दे न्यू रोसा है और कुछ नहीं इसका। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और पाखंड के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी है, महापंचायत मोखरा गांव के अंदर हुई है। गुलाब आर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? एक महिला यहां पर कह रही है कि झाड़ा लगा करके हर बीमारी को ख़त्म कर दिया जाता है। भ्राता जी बात ऐसे है, मैं गुरुकुल कालवा से आया हूँ, गाँव मेरा बिरताना है, गुलाब आर्य मेरा नाम है, मलिक गोत्र से मैं संबंध रखता हूँ। जी जी, लेकिन मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि इतना पवित्र गाँव ये मोखरा गाँव, यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं, इतने बुद्धिजीव नौजवान हैं। यहाँ साक्षी मलिक जैसी हमारी पुत्री ने सारे भारत में हमारा नाम रोशन किया, इसलिए इसमें इस महिला का अड्डा कैसे जम गया इस बात का मैंने अफसोस आता है। इसलिए मैं यह समझता हूँ इसका जल्दी से जल्दी भाईचारा के हिसाब से इसको यहाँ से भगा दिया जाए। ये पाखंड का अड्डा जो कि हमारे नौजवानों का भविष्य खराब ना करे, ये तो वो गाँव हमारे भाई जो ये मैंने आपको पहले भी दिया गया उसका ये मालिक कलानौर वाला जी जी ये आपको पहले नाना दिया जो कलानौर का कोड़ा था वो पुजवा जाता था यहाँ पर जो जब मुसलमानों का राज था जी जी। और जो लड़की थी अमर कौर जो लड़की अमर कौर थी अभी छाराम की लड़की थी मलिक गोत्र से संबंध रखती थी वो और वो डिग्गल में ब्याई गई थी, इसीलिए उस अमर कौर लड़की ने कलानौर का कोड़ा तड़वाया था और इस गाँव ने सबसे पहला साथ दिया था। यहाँ पर बहुत लोग शहीद हुए थे लेकिन पाखंड नहीं चलने दिया इस गांव ने, ये क्यों गुआंड लगता है कलानौर का। लेकिन मैं ये अफसोस करता हूँ कि ये इतना बढ़िया गांव होकर के ये पाखंड काटा जमा कैसे यहाँ पर। तो क्या लगता है आर्य समाजियों ने इससे पहले भी राम रहीम और जो रामपाल है उनका विरोध किया है और वह जेल में है, तो क्या लगता है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ब्राता जी हम क्रोथाम वहीं पर थे, ये जो चोट लगी हुई है मेरा वहाँ पर लगी थी, क्रोथाम लगी थी, हमारे चार दिन वहाँ पर लठ बजाया, हमारे चार योद्धा जो वहाँ पर शहीद हो गए, हमारी बहन थी एक पुरमिल, एक हमारी बहन थी पुरमिला नाम के और तो वह मेरी बहन हुआ भी वही शहीद होगी, लेकिन उपाखंड का हमने अड्डा नहीं जमड़ दिया कभी भी, वहाँ से भगाया, वहाँ से फिर बरवाड़ा गया, आज वो जेल के अंदर दरी का प्रस होता है। इसीलिए इस महिला को हम प्यार से समझाएंगे, मेरी बहन इस गाँव का पांडा छोड़ दे और अपने घर चली जा, अपने बड़का न पाल ले, इसलिए इन नौजवानों का भविष्य खराब ना करे तू, इसलिए परमात्मा का नाम लेना तो ढंग से सुबह शाम समझा करे, हमारा ये कहना है। लेकिन पाखंड ना बुलावे, हमारे बच्चों को बर्बाद ना करे, ये एजेंट बना रही है, दो चार आदमी है जो वहाँ पर एजेंट है इसके, उनको पैसे देती है ये और दारू पिलाती है, और ये देखो ये गुरु गोरख नाथ का नाम लेती है भाई साहब, ये जो गुरु गोरखनाथ थे उन्हें कभी भी शराब का सेवन नहीं किया, उन्हें कोई नशा नहीं किया, वे तो वेदों के विद्वान थे, वे तो वेदों के विद्वान थे, उन्होंने दूसरे देश में जाकर के वेद का धर्म का पालन किया, वेदों का प्रचार किया, सनातन धर्म का पालन किया उन्होंने, इसलिए वो तो एक बहुत अच्छे विद्वान थे। लेकिन जो ढोंगी लोग हैं, डाल की महिला जो हमारी बहन बैठी है ये ढोंगी है, इन हमारे महापुरुषों को बदनाम कर दिया। बिल्कुल, एक महिला हमारे साथ एक ताई जी है, क्या कहना चाहेंगे ताई? पहले भी एक काफी वीडियो बात तो सुनी ना तो इसमें सरपंच नहीं कह जो ठीक है मैं सीधी बोलिया करूँ ना इसमें आदमी रू सके आदमी हो तो यार रो है कोई नहीं ठीक से वीरबानी हो सारी कट्ठी लाइव काट दिया लो बिना लगने दिया से कोई नहीं नकली सौदा से ओनू सोचा हजारे मन दे दे हजारे खन दे दे न्यू रोसा है और कुछ नहीं इसका जात रह दिया ठीक से। तो आज पंचायत हुई ताई कुछ तो लगेगा ना मन तो ढंगा नहीं लग गया तुम बुंदी बताइए अच्छा मन नहीं लग गया तुम थम ना लग गया होगा तो ये झाड़े झूड़े लगने लग रही तो कबार में हो गया कि मैं भी ना लग गया मेरे मेरे फर्क का थी दस आप झाड़ा लुआ का थी हाँ शुरू में लुआ था दिखाए तो भाई ताई भी झाड़ा लुआ का रही है शुरू में लुआ था रे फिर आराम नहीं होया आपका मेरा कुछ नहीं होया 19-20 का आराम में लग गया अच्छा एक गोला लेगी थी वो मंगाया था इतनी चीनी वो वारिकन है उसने धूनों में गेर दिया मन उड़े कह दिया है मैं हमारा फर्क तो कोई नहीं बोली माता जी तो दुआई खा ले दुआई खा ली मैं फिर तू डो के लेने आ रही है कोई नहीं बोली फिर कोई नहीं बोली फिर मैं तो और लुगाई आने लग रही आने तक खकाट पट रहा उनका उन तिके को गया तो बोल रहे आंधी तो मारो तो राम दी तो को नहीं बोला जी बाप की आवाज ने सुना पूरा हरियाणा की महिलाएं सुनेगी लाखों महिलाएं देख रही हैं पागल है
ये जो सिया हम पागल है पागल कटी जमा अच्छा। पागल कुछ को नहीं रमा होली रे दुनिया कंडम कर दी चलो तो मतलब उन्हें नहीं आना चाहिए और लगा आना नहीं चाहिए उनकी मर्जी धोखा कटी। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया, फिलहाल वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए। मैं जब भारद्वाज, राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।